वंडरफुल, बहुत ही टेस्टी बना है। दोस्तों यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे फिर बारिश शुरू हो गई है। हाँ जब बहुत मस्त करेगा, बहुत मस्त। कितना आलू मिला है? दो मिला है, सिर्फ दो मिला है। देखो मच्छी जैसे मिलता है ना पानी में, वैसे दो मिला है। इतना बड़ा खेत में दो ही आलू। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं उमियम लेक मेघालय में। तो आप व्लॉग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग ऑन द वे हैं, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्या खा रहे हो मोहित? मैगी। नाश्ता करेंगे, ये देखिए ब्रेड, ब्रेड। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। वंडरफुल, बहुत ही टेस्टी बना है। सूखा सूखा ब्रेड खाया नहीं जा रहा है, गले में अटक रहा है। मेरे साला बाबू ये ब्रेड लेके आए हैं, ब्रेड सूखा सूखा, बटर लाने भूल गए, जैम भी नहीं लाया। सूखा ब्रेड खा रहे हैं हम लोग, सूखा ब्रेड गले में अटक रहा है। सूखा सूखा ब्रेड है, कौन खाएगा रे? मामी कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा लगा, लेकिन गर्मी की वजह से पसीना पसीना। पता नहीं, मुझे तो सूखा सूखा लगा। पापा कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, टेस्टी। मामा कैसा लगा खाना? अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और गाड़ी भी फिर से स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग मिलेंगे आपको सीधे उमियम लेक में, वहाँ हम लोग एंजॉय करेंगे, आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। होप आप लोगों को अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है, पूरा बारिश बारिश था थोड़ा मौसम है। देखिए यहाँ पे पूरा फोटोग्राफी चल रहा है सबका। हाय गाइस, हाय हाय गाइस, हाय। इतना मौसम बढ़िया है यहाँ का। हाँ खाया था यहाँ खेला है, ठंड 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 से पूरा इसका रोटी खा कर पाव इधर खाते ब्लैंक पाव खिलाया। झुमकी के दांत पूरा ग्लेज कर रहे हैं। हैप्पी डेंट दांत। जस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। व्हाट ए लवली वेदर। তোমরা যেতে থাকো এখন। क्या करे, किस्मत ही ऐसा है।
बारिश। तो फाइनली दोस्तों हम निकल गए एक घंटे बाद। बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था यहाँ पर। यही तो मेघालय का मजा है। ये देखिए कितना बारिश है यहाँ पे। वो बादल भी कितना, देखिए व्यू पूरा दिखा दो। देखिए कितना ज्यादा बादल है। अभी भी बारिश गिर रहा है लेकिन थोड़ा कम गिर रहा है, तभी तो बहुत ज्यादा गिर रहा था। गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी। अभी हम एंट्री करने वाले हैं उमियम लेक में। चलिए एंट्री करते हैं। यहाँ पर है हम लोगों का खाना। ये रहा, खुल गया, खोल लो। ये रहा हमारा खाना, अभी हम यहाँ पर खाएंगे। ये एक पिकनिक स्पॉट है दोस्तों। देखिए अभी फिर से जोर से आ रहा है बारिश। चलिए वहाँ पर जाकर खाते हैं खाना। वहाँ पर आपको प्लेस भी दिखाएंगे। तो चलिए आप लोग यहाँ पर जरूर से छाता लेकर आएगा। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश गिरता है, बहुत ज्यादा। हम लोगों को तो पछतावा हो गया।
दोस्तों यहाँ पे फिर बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हैं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। सब समय यहाँ पर बारिश ही होता रहता है, ये मेघालय की खासियत है। देखिए कितना सुंदर ये नदी है। यहाँ पर घोड़ा बोटिंग राइड भी है। আর কিছু কয় না। না না আমি হাত দিয়ে ধরে রাখছি তোর লিগে, ও বিরাট চঞ্চল যে ও ভাই ভিডিও করো তুই দেন তুলে দিতেছে। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा यहाँ शायद 7 या 8 times होगा। एट बार हम आ चुके हैं, फिर भी लगता है कि और जाओ और जाओ, इतना अच्छा लगता है। जाओ नहीं आऊंगा, जाओ कि मैं कौन वो एक ही बात है ना। आरो जाबो पीछे में डिस्प्ले है इसका, वो खराब हो रहा है पीछे में, वो बोल रहा है नो केना मेहनत मोहित मैदा तो इतना बड़े केना। ওই দিকে আও না তুমি একটু, এদিকে আসো। আমার নাম করতে যাই একটু জঙ্গলে দিয়ে মিলে গেছে। मोहित कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वेदर कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है, एकदम बादल बादल है, पूरा बारिश गिर रहा है थोड़ा थोड़ा सा, एकदम बहुत ज्यादा मस्त है। और गर्मी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है गर्मी, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत ठंडा ठंडा, गर्मी से यहाँ पर आने से मन बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए दोस्तों क्या शानदार नज़ारा है, क्या वेदर है। हम गुवाहाटी में गर्मी से परेशान हो गए थे और आज देखिए यहाँ का मौसम देखिए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं,
हल्की हल्की बूंदा बूंदी हो रही है, बहुत ही गजब का नज़ारा है। और उस पे ये वेदर चार चांद लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ से निकलेंगे, चलिए चलते हैं शिलोंग की तरफ। ये कहाँ से निकल गया? ओए ओए, बाप रे, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ओ ओ ओ, कोमोडर बेशी कैसे कम चाहिए थे या? और बेशी तो बड़े ही कैसे बेशी? हाँ, जब बहुत मस्त करेगा, बहुत मस्त। बहुत हवा है, बहुत हवा, एकदम कपा देने वाला हवा है। चेरापुंजी और बोरापानी लेक के बीच में शिलांग सबसे ज्यादा ठंडा है। ओह,